हेलो माइनक्राफ्ट लवर्स, सो मैंने बनाया है बेटर माइनक्राफ्ट फॉर पॉकेट एडिशन और इसकी यूआई आप देख ही सकते हो कितनी खतरनाक है। एंड इस वाले सीरीज पे मैं ऐसे टेस्टिंग करने वाला हूँ और फाइनली जब ये रेडी होगा मैं ऐसे पब्लिश करने वाला हूँ। सो गाइस, अभी हम लोग की वॉल जनरेट हो रहा है। ओके, तो वॉल तो काफ़ी बढ़िया जनरेट हो चुका है। हाँ, एक और चीज़ भाई, ये अभी बना नहीं है तो इसमें काम चल रहा है। जैसे ये रेडी हो जाएगा मैं आप लोगों को दे दूंगा। अब लोगों को बस एक ही काम करना है, इस सीरीज पे भर के प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। भाई वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जेड आर्मी ओपी करना, सब्सक्राइब करके आप मेरी जेड आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, पोजाब लॉन्चर वालों, पोजाब लॉन्चर के लिए मत पूछना क्योंकि जावा में भाई 300 मॉड से उसे डालोगे तो फोन। ऑल राइट, मुझे वहां पे एक स्ट्रक्चर दिख गया है तो एक बार नीचे चलता हूँ। नाइस। और भाई लोग पेड़ तोड़ते, मैं पत्ते तोड़ने वाला हूँ और दो स्टिक से मैं ये बना सकता हूँ। ये है भाई जूमर। यस, तो ये कुछ कुछ ऑप्टिफाइन जैसा फील देता है। हाँ, जावा एडिशन पे तो थोड़े बहुत ऐसे मज़े लेते थे, आप पॉकेट एडिशन भी ले सकती है। और इसको मैं और भी ज़्यादा मैं बेटर करने की कोशिश करने वाला हूँ। ओके, तो ये आ गया अपने पास एक, क्या बोलते हैं भाई, वार्क टेबल। लो, अभी ये काम कर रहा है। तो भाई 1.19.20 में ये काम नहीं कर रहा था बट मैंने इसे फिक्स कर दिया है अभी। तो ये आ गया अपने पास पिक। भाई सभी को पता है अभी क्या होगा या तो भाई हमें जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करना है। भाई मैं सोच रहा हूँ इसे चार पार्ट पे ख़त्म कर दूँ। और देखो वहाँ पे एक राक्षस भी घूम रहा है, मतलब ये बेटर माइनक्राफ्ट भाई फ्रेंसिस से ज़्यादा भाई हार्ड कोड है। और ऊपर से मैं तीन बार मैंने इसे ऑलरेडी खेल कर लिया है भाई, तीन बार मैं मर चुका हूँ ऑलरेडी और ये अपनी चौथी बार है। भाई मैं अपनी चौथा नहीं निकालना चाहता, मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये एरो कौन फेंक रहा है भाई, यार कितनी बदतमीज है। और टेक्सचर भी देख सकते हो भाई, बिल्कुल बेटर माइनक्राफ्ट जैसे ही है। और भाई देखो भाई, स्केलेटन और क्रीपर की जोड़ी, वाह क्या ही बात है। एक बम फोड़ता है, एक तीर मारता है, बहुत बढ़िया। और ये सब मैं यहाँ से एक ही बार में उठा लेता हूँ। ओके, एंचेंटमेंट टेबल था यहाँ पर, नीचे चलते हैं। अरे विच 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 चुड़ैल कहीं के चुड़ैल। ओके, तो नीचे विच है तो हम लोग तो जा नहीं सकते। और इधर स्केलेटन एरो मार रहा है, वाह भाई क्या किस्मत है। ओ भाई साहब बाहर आके हुए है। एंड एक मिनट, ओके, खतरा नहीं है, खतरा नहीं है कि ये जो बीच है ना ये इसके पीछे लगा है और ये नीचे किसी के पीछे लगा है। अगर एक चीज़ हो सकता है, अगर मैं इस सामने वाले बीच को बचा लूँ, क्योंकि भाई ये तो मेरे पीछे लूट नहीं है बट ये जब इस वाले बीच को मार देगा तो मेरे पीछे लगने वाला है। ओके, ट्राई करके देखता हूँ थोड़ा सा रिक्स लेके। तो देखो इसके पीछे लूट है तो मैं इसको मार सकता हूँ पहले, और वो दूसरा वाला किसी और के नीचे लूट है। ओके, क्या क्या क्या, अरे यार वीकनेस पोशन होता तो काम बन जाता मेरा। वैसे वीकनेस पोशन बहुत रेयर होते। ओके, मारो 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 भाई, इंस्टेंट हेल्थ है, इंस्टेंट हेल्थ। वाह भाई, जो मांगूंगा वो नहीं देने वाला। चलो एप्पल खा के गुजार लेता हूँ अपनी ज़िंदगी और आराम से तोड़ो। वो हाँ भाई, मैंने नोटिस नहीं किया था ये पेड़ हिल रहा है। चलो एक काटाना बना लेता हूँ, नहीं ये लॉन्ग शॉट है। ओके, नॉट बैड। और एक चेस्ट प्लेट और एक, ठीक है, शील्ड। और थोड़ा बहुत टूल्स बना लेता हूँ भाई, ज़्यादा आर्मर नहीं बनाने वाला, टूल्स मेन चीज़ है। और रात हो चुका यहाँ पर भाई, इसकी आवाज़ कितनी स्कैरी है। भाई मैंने इसे ब्लॉक नहीं कर पाया। भाई संभाल के मरा, इसके हाथ में ऑब्सिडियन की डंडा लग रहा था भाई। क्या छोड़ो। ओके, यहाँ पर एक चेस्ट भी है बट अभी मैं चेस्ट लूटने नहीं जाऊँगा, मेन मुझे स्पॉनर लूटना है। अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मैं अपनी हाई आई क्यू यूज़ कर रहा हूँ भाई, बताता हूँ भाई, मैं स्पॉनर की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, ओके मिल गया मुझे। चलो थोड़ा संभाल के भाई, बस बीच मुझे इंस्टेंट डैमेज करना फेंक दे भाई, दिक्कत हो जाएगा। ओके, मैं बस स्पॉनर की हर तरह से ब्लॉक लगा के उसे गार्ड करना चाहता हूँ। ओके, इसके ऊपर एक ब्लॉक आ गया है, अब कोई नहीं जा सकता। और ये क्या हो गया, ओ भाई स्पीड, ओ भाई ये कितना बड़ा पेड़ है। मुझे लगा था बस एक नॉर्मल पेड़ होगा भाई, मैंने नोटिस ही नहीं किया था। ओके, और ये क्या है, ओ हाँ ये तो भाई ज़ॉम्बीज है, नॉर्मल ज़ॉम्बी, बस इसकी टेक्सचर अलग है। तो आराम से बस मुझे इसको तोड़ना है, जस्ट लाइक, ओके टूटा। ओ भाई स्पॉनर से एक्सपी बहुत खतरनाक मिलता है, मैंने बहुत सारे स्पॉनर तोड़ दिया है, एक और स्पॉनर बाकी है। अरे यार ये बीच भी ना, ओके मैंने वहाँ पे ब्लॉक लगा दिया है, बस मुझे स्पॉनर के हर तरह से ब्लॉक लगा के थोड़ा सा एक पोजीशन बनाना है ताकि कोई आ ना सके। ओके, जैसे कि ये देखो भाई ये बीच है यहाँ पर। ओके ये कहीं और भटका है, ठीक है नाइस।
मुझे बस ब्लॉक प्लेस करना है। अरे यार गलत जगह प्लेस कर दिया। ओके नहीं कोई नहीं भाई, काम बन जाएगा अपना, बस इसके आगे एक बार प्लेस कर दूँ। ओके नाइस। ओ भाई साहब कितना मैं हाई आई क्यू यूज़ कर रहा हूँ। ओके अब स्पॉनर के पास कोई नहीं है। ऐसे मैं अगर डायरेक्ट तोड़ने जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। ऑलरेडी इसे डायरेक्ट तोड़ के मैं मर चुका हूँ, तो इसीलिए तो मैं दोबारा अटैम्प्ट कर रहा हूँ भाई। ये अपनी फोर्थ अटैम्प्ट है भाई, थर्ड अटैम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है भाई। मैं हार्ड कोर में नहीं मरना चाहता। ओ ओ ओ ओ ठीक है भाई, रिस्क है आराम से भाई, बस अपना हेल्थ एक बार रीजनरेट हो जाए। ओके धीरे धीरे हो रहा है, एंड इसको भी तोड़ना है ऐसे जैसे मैंने पहली बार तोड़ा था। चलो ये भी गया। ओ भाई और दिन भी हो चुका है, ठीक है आराम से नीचे चलते हैं। एंड ये क्या है? ओके बच गया भाई, ये मुझे देखा नहीं है। ओ भाई फेंक दिया। चलो ओके जगह थोड़ा सा खाली करना होगा अपने को। यहाँ पे हर जगह पे स्पॉनर लगा हुआ था और अंदर कितना अंधेरा भी है। अगर इमेजिन मैं ये सारे स्पॉनर बिना तोड़े अंदर जाता तो भाई अपनी हालत ख़राब हो जाता। ओके आर्मर मिल रहा है, तो भाई आर्मर तो रखने वाला हूँ भाई, आर्मर मेन काम की चीज़ है। और ये लोग देखो भाई, ये नमूने लैडर पे चढ़ के बैठा है। हाँ ये लोग लैडर पे चढ़ते क्यों है? ओके बहुत सारी चीज़ें हैं। ओ भाई डायमंड मिला और एलाइट्रा भी मिल चुका है भाई, ये तो और भी काफ़ी काम की चीज़ है। ओके स्वॉट भी मिला है एंड ओके थोड़े आयरन भी मिल चुका है, 10 हो चुका है मेरे पास, थोड़े रेडस्टोन भी। एंड भाई फिर से रात हो गया और यहाँ पे क्या हंसी आ रहा है देखो बस भाई, ये जो भी चीज़ है भाई बहुत गंदा हंसता है। मैं भी थोड़ा कंपनी दे दूँ क्या? बहुत गंदा था। ओके फिर से मुझे अंदर जाना पड़ेगा रात होने। ओके ये है डेट पोर। चलो दिन हो गया एक तरह से, बढ़िया है। एंड तो साउंड वाउंड ठीक कर लेता हूँ, खाना वाना खा लेता हूँ। चलो अब मैं बाहर जाने वाला हूँ, स्ट्रक्चर से दूर जाने वाला हूँ। स्ट्रक्चर पे अपने घर बना सकता हूँ बट भाई इसे अभी रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं एक बढ़िया सा डंजन ढूंढ रहा हूँ स्टार्टर टाइम के लिए। स्टार्टिंग टाइम में हम लोग डंजन पे रहेंगे या फिर एक बढ़िया सा घर बना लेंगे, देखेंगे क्या किया जाए। अभी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे खाना वाना तो मिल चुका है। ओके ये जगह काफ़ी खुला है, अगर घर यहाँ पे कोई डंजन होता तो बढ़िया होता भाई। खुद को घर बनाना पड़ेगा लगता है इस वाले पोजिशन पे। ओके ये घूम रहा है भाई, ये अपना अपने यहाँ पे घर बनने वाला है। चल निकल। ओ डैमेज भाई डैमेज, ओ क्या डैमेज था। ओके भाई यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा ही मॉन्स्टर घूम रहा है, और अभी दिखाता हूँ तुम्हें एक और मॉन्स्टर है। कहाँ गया? ओके स्कॉसियर को वहाँ पे ला। अरे गलत जगह पे देख रहा है, हाँ अब सही है। वैसे मेरे अंदर की डेंजी निकल रहा है बट मैं अपनी एम को कैसे पूरा कर सकता हूँ? इट्स जस्ट फ्लैट एज सकुड़ा। मैं अब कल्चर वाले भाषा में बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा किसी को। ओके तो ये मैं बना लेता हूँ सल्कर बॉक्स, बैकपैक के काम खत्म। चलो झंझट खत्म और इसे यहाँ पे रखते हैं। चलो जल्दी से अपने सामान वामान रख देते हैं। एंड भाई ये लोग कितने सारे स्पॉन हो गया, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे से दूर गया था क्या? बस देखो कितने स्पॉन हो गया भाई, क्या दिक्कत है। अरे मैं वूल कलेक्ट करने गया था भाई, देखो भाई कितने सारे यहाँ पे स्पॉन हो गया। ओह भाई खैर छोड़ो, बेड तो मैंने बना ही लिया है तो पहले सो ही लेते। और यहाँ से डे 5 to 7। ओके भाई अरे ओके ये एंटरमैन से अगर मुझे एक एंटरपल मिल जाए ना तो मैं एंटर स्टॉप बना सकता हूँ, तब भाई अपना जर्नी थोड़ा इजी होगा। बट मिले तो भाई देखो भाई ये देने का नाम नहीं कर रहा भाई, गिरा दिया। बहुत बढ़िया भाई, देना नहीं था तो भाई गिरा क्यों दिया। ओके संभाल के भाई। ओके नीचे आ चुका हूँ भाई, यहाँ पर ड्रिप स्टोन था, जस्ट इमेजिन इनके ऊपर अगर मैं गिर जाता तो भाई क्या डैमेज लगता मुझे। ओके एक न्यू ओर मिला है और क्या नाम है इसका, जिंग ओर। ओ इससे मैं मशीन्स वाले काम कर सकता हूँ, हाँ इसे तो मैं पता है। अरे यार मरा। और ये भाई डंजन पे बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें हैं, जितने भी अंदर जाओ भाई दिक्कत ही हो रहा है ऊपर। अरे यार ये थोड़ा सा दिक्कतें देता है। ओके तो यहाँ पे एक न्यू ब्लॉक भी मिला है मुझे और यहाँ पे न्यू ओर भी है भाई, कितने सारे ब्लॉक्स और ओर है, ये भाई काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पे डीप डार्क डायमेंशन नाम का कोई चीज़ नहीं है, ये बेटर माइनक्राफ्ट थोड़ा हल्का है। ओके ये क्या है? ओके जार्मिनियम भाई, जार्मनी रख देते। ओके अपने यहाँ पे फर्स्ट डायमंड ओर भी मिल चुका है, डायमंड तो ऑलरेडी मिल चुका है, ये है डायमंड ओर।
भाई जो भी बोलो भाई, डायमंड और तोड़ के डायमंड लेने का भाई सेटिस्फेक्शन कुछ अलग ही है। और चलो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत है तो ये भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और राइट गाइस, तो मैं बाहर आ चुका हूँ वही जगह पे, और यहाँ पे फिर से एक आया। ओ भाई ये बच्चा है, भाई छोटी बच्ची हो क्या? यस ये दिस इज़ अ छोटी बच्ची, और कितना क्यूट है। FBI मत आ जाना इस हालत पे, देख रहा हूँ तो इसे इसलिए। ओके डोंट कॉल FBI। ओ भाई इसके नॉकबैक बहुत खतरनाक है, बस मेरी शील्ड ना टूट जाए, डैमेज भी बहुत खतरनाक है। चलो गया। ओके बच्ची मार दिया, बट ठीक है। और वहाँ पे बच्ची की माँ भी है भाई। और इसके अंदर देखूँ, ओ स्टार्टर बेस के लिए भाई सारे सामान है यहाँ पर, बट ये जगह भाई थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि यहाँ पे ये मकड़ी वाले बहुत ज़्यादा स्पॉन हो रहा है। ओके थोड़ा एक बार देख लेता हूँ, अगर स्पॉनर वॉनर हो तो इधर तो दिक्कत हो सकता है। ओके कोई स्पॉनर नहीं है, और इसमें लूट भी थोड़ा एवरेज है। ओके तो जल्दी करो, सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है भाई, ठीक है नॉट बैड। एंड यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा भाई, मुझे ऐसी जगह देखना होगा जहाँ पे ये मकड़ियाँ ना स्पॉन हो। भाई देख रहे हो भाई, अभी मैं भाग भी नहीं सकता पीछे मुड़ के, इसके साथ लड़ना ही पड़ेगा मुझे। हाँ ये मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा एनोइंग है। ऑलराइट तो ये तो गया, स्पाइडर वुमैन बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, स्पाइडर मॉन्स्टर जो भी है इसका नाम। हाई ये लोग तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे स्पॉन हो रहे, देखो वहाँ पे भी एक है, अरे उसके साइड पे भी एक है। ये यार नहीं यार, ये कुछ ज़्यादा दूर से लूट हो रहा है। ओह ओके मोहतरमा, क्या दिक्कत है आपको बताइए। हार वैसे भी भाई ये देखने में कितना क्यूट है, मारने का मन नहीं कर रहा है, बस नीचे से देखूँ तो थोड़ा अलग लग रहा है। ओके बस इसको मारने का यार इसकी। ओके मरा, एंड दूसरे वाले से मैं पंगा नहीं लेने वाला भाई, मेरी सील टूटने वाला है, मुझे बस यहाँ से भागना है। ओके चलो मैं वहाँ से भाग गया, और भाई देखो जहाँ पे भी मैं जाऊँ मुझे यही दिख रहा है, मतलब कहीं पे भी मैं जाऊँ भाई इनसे मैं बच नहीं पाऊँगा भाई ये लोग। ओके कोई डस्ट टाइप की चीज़ें भी दे रहा है ये लोग, देखो मैं नहीं ये कोई डस्ट है। ओके आई थिंक अभी मैं इन लोगों से लड़ नहीं पाऊँगा तो बाद में देखूँगा। सो मैं वापस से यही घर पे आ चुका हूँ। मुझे कोई अच्छा पोजीशन मिला ही नहीं, और मैं यहाँ पे अपने लिए थोड़े बहुत अब सही वाले आर्मर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक डायमंड चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ, और सबसे बेस्ट होगा अगर मैं अपनी आर्मर्स पे एन्चेंटमेंट डाल दूँ। यस भाई बिना एन्चेंटमेंट के भाई कोई काम ही नहीं बनने वाला। तो लेट्स स्टार्ट। ओके लैपिस की ज़रूरत है, लैपिस मेरे पास है, इसमें क्या दे रहा है। ओके पहले लैपिस ही निकाल लेता हूँ, ये रहा लैपिस, लैपिस लज़ूली। एंड लेट्स चेक दिस। ओके तो मैंने सारी चीज़ें एन्चेंटमेंट कर दिया है, एंड एन्चेंटमेंट भाई थोड़ा बहुत ठीक है भाई, सही से मिला है। और भाई मेरे घर के सामने ये लोग आ चुके हैं, वाह भाई बहुत बढ़िया। एंड इसको भाई पहले भाई इस स्पाइडर वालों को भाई निपटाते भाई। ओके एक नया मॉब आया आई थिंक, मुझे दिखाई नहीं दे रहा इस जाली की वजह से, देखो ये जाली भी हटता नहीं है। बाहर आ जाओ पहले भाई, इसको पहले निपटाओ भाई, ये सबसे ज़्यादा एनिमी है। ओके तो वहाँ पे पेड़ वाले मॉन्स्टर भी है। सो गाइस आज की वीडियो हम लोग कहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वाले मॉड पैक डाउनलोड करना है तो मेरे सेकंड चैनल ज़ोलोग्राफ 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने सारे मॉड पैक की डाउनलोड वीडियो वहीं पर लाता हूँ। और अभी ये मॉड पैक रेडी नहीं हुआ है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। यस जैसे ये रेडी हो जाएगा मैं अपने सेकंड चैनल ज़ोलोग्राफ 2.0 पर डालने वाला हूँ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाके चेक कीजिए तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग बताना कि आप लोग और कौन कौन से पॉकेट एडिशन के मॉड पैक देखना चाहते हो। और बाय, और कुछ नहीं है।